गुड मॉर्निंग क्लास एल के जी। सब्जेक्ट है बच्चों आपका मैथ्स। तो ये जो मैथ्स है आपकी, इसमें आपका जो है चैप्टर नंबर 16 हमने पढ़ा अभी तक बच्चों, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अपनी जो है मैथ्स की बुक ओपन करेंगे और उसमें जो चैप्टर नंबर 16 है वहाँ पे आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 16 है हमारे पेज नंबर 37 में। तो सभी बच्चों ने अपनी बुक जो है ओपन कर ली होगी, पेज नंबर 37। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पे नंबर्स नेम पढ़े, ठीक है ना। तो नंबर्स नेम हमारा जो 0 से 10 तक हमारा जो हो गया था, ठीक है। और आगे इसमें हमने पढ़ा था 11 to 20, ठीक है ना। 11 to 20 हमने इसमें नंबर्स नेम जो है पढ़े थे, पेज नंबर 39 है। तो सभी बच्चे इसको ओपन करेंगे, इस बार एक बार मैं इसको पढ़ाऊँगी और ध्यान से सभी बच्चे इसको सुनेंगे, उसके बाद मैं इसमें होमवर्क आपको दूंगी। तो सभी बच्चों ने जो ये बुक में आपका पेज है पेज नंबर 39 में इसको सॉल्व किया होगा, यहाँ पे लिखना था इसको, ठीक है ना। 3 times इसको आपने करना था। सबसे पहले जो स्पेलिंग है वो दी गई है 11, ELEVEN, 11। नेक्स्ट जो है तो आपको यहाँ पे 3 times इसको लिखना था। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है TWELVE, 12। नेक्स्ट THIRTEEN, 13। FOURTEEN, 14। FIFTEEN, 15। नेक्स्ट देखिए SIX, 6। TEEN, 3, 16। SEVEN, TEEN, 17। नेक्स्ट EIGHTEEN, 18। NINETEEN, 19। और लास्ट में यहाँ पे देखिए TWENTY, 20। तो 20 तक हमने आपको स्पेलिंग यहाँ पे पढ़ाई थी बच्चों। और कल मैंने वहाँ पे आपको जो है कुछ ब्लैंक्स जो हैं लेटर इसमें किए थे और आपने उसको फिल किया था, ठीक है ना। स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी थी, ठीक है। और आज यहाँ पे देखिए इसी संबंधित में कुछ आपको दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथ्स अ करेक्ट नंबर विद योर नंबर्स नेम। आपने क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं और उनके नेम दिए गए हैं, तो जो करेक्ट नेम है उस पर आपने क्या करना, उसको मैच करना। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 11, तो हमको 11 यहाँ पे ढूंढना है। तो ये है ELEVEN, 11 के। फिर सेकंड क्या है, 12 यहाँ पे देख रहे हैं। तो 12 TWELVE, 12। फिर नेक्स्ट है 13 THIRTEEN, 13। फिर देखिए 14 FOURTEEN, 14। और फिर है 15 FIFTEEN, 15। फिर देखिए 16 SIXTEEN, 16। और नेक्स्ट देखिए SEVENTEEN, 17। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 18 EIGHTEEN, 18 NINETEEN, 19। और लास्ट यहाँ पे देखिए TWENTY, 20। तो इस तरीके से आपने अपनी कॉपी पे इसको लिखना है और साथ में इसको क्या करना है, मैच करना है, लर्न भी करना है, ठीक है ना। लिखने के साथ साथ आपको 1 to 20 जो आपको स्पेलिंग मैंने करवाई हैं, ठीक है, लिखने के साथ साथ उसको लर्न भी करना है।
ठीक है। और जितना यहाँ पे आपकी बुक में अभी तक हमने पढ़ाया है इसको आपने रीडिंग भी करना है, ठीक है ना। बुक में सारी स्पेलिंग है उसको रीडिंग करिए, और जो मैंने कॉपी में कराई है उसको लर्न करिए। तो बाय बाय।